हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो विषय दिया है मुझे चर्चा करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपना षड गोस्वामी का जो श्रृंखला है उसको हम चालू रख रहे। पिछले हफ्ते 15 15 दिन पहले हमने श्रील सनातन गोस्वामी के ऊपर चर्चा किया था, और आज हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वैष्णव जो वैष्णव गीत जो किताब है हमारा, उसमें एक विशेष जो भजन है वो है षड गोस्वामी अष्टकम, जो श्रीनिवास आचार्य उन्होंने सारे 6 गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों का गुणगान करते हुए उन्होंने श्लोक लिखा है जिसको षड गोस्वामी अष्टकम करके हम लोग गाते हैं। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम भू निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंता रखो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। तो बताते हैं कि कैसे ये 6 के 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के एकदम निकट के जो शिष्यों में से 6 गोस्वामी हैं। जैसे पहले भी हमने चर्चा की कि चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, कृष्ण प्रेम की मधुरता क्या है, ये पूरा महाप्रभु ने अपने निजी जीवन से सबको बताया। लेकिन उस तक कैसे पहुंचता है, उस स्तर तक कृष्ण प्रेम के स्तर तक कैसे पहुंचना है, उसके विषय में महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक कहे जिसको हम श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन और उसको विस्तार करना है, 8 श्लोक में जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज को विस्तार करना पड़ता है क्योंकि कलयुग में सब लोग का जो बुद्धि है, कलयुग की विशेषता है प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद्य भाग्य ही उपरद्रुता। कि कलयुग में क्या है, प्रायण अल्प आयुष, लोगों की आयु कम है, मंद मंद अर्थात लेजी, सुमंद मतयो मंद भाग्य, भाग्य भी बहुत ही मंद है, और उपद्रुता, उपद्रुता मतलब हमेशा डिस्टर्ब रहते मन, हमेशा कलयुग में लोगों का विचलित रहता है उपद्रुता। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक बोला है, उसमें उनकी सारी शिक्षाओं का सार के माध्यम से उसमें बता दिया। लेकिन कलयुग में कितने लोग 8 में सब समझ जाएंगे, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को विस्तार करने को कहा, यही 8 श्लोक को और विस्तार कीजिए और विस्तार कीजिए, ताकि आने वाले जो कलयुग में लोग रहेंगे वो भक्ति के विषय में अच्छे से समझ पाएंगे, और जब अच्छे से समझ पाएंगे तब उसको अच्छे से अपने जीवन में उतार सकेंगे और पूरी तरीके से अपने मनुष्य जीवन को वो लोग सार्थक कर सकते हैं। तो इसके लिए 6 गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार कई कई किताबें बैठकर लिखे, कई
कृष्णा कीर्तन गाननो नर्तनो, जो हमेशा कृष्ण नाम भजन में मग्न रहते थे। प्रेमामृतम्भो निधि, कृष्ण प्रेम में हमेशा, प्रेमामृतम्भो निधि। धीरा धीर जनप्रिय, उनका स्वभाव ऐसे था कि कोई भी उनसे द्वेष नहीं करता था। धीरा अधीर जनप्रिय, अच्छे लोग और बुरे लोग सब लोग उनको चाहते थे, क्योंकि सारे गुणों से सुसंपन्न थे वो लोग। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, भार आवहंता रखो। तो चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सब जगह पर पात्र अपात्र न देखे स्थान, तो महाप्रभु ने कहां पर भी ये नहीं देखा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। सब जगह पर महाप्रभु ने हरिनाम के माध्यम से लोगों को कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है सब जगह पर महाप्रभु ने बांट दिया। तो बताते हैं कि महाप्रभु का जो बारे में जो ये षड गोस्वामी प्रचार करने के लिए और से अधिक और किताब जो है लिखते जा रहे, श्री चैतन्य कृपा भरो भूवि भूवो भार आवहंता रखो। सो महाप्रभु का जो कृपा है उसको अधिक से अधिक लोगों तक बांटने के लिए उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। वंदे रूप सनातन रवि को श्री जीव गोपाल को, तो इसलिए हम श्री षड गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हैं। एछे गोसाई कोरे चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। षड गोस्वामी के चरण के आशीर्वाद प्राप्त करने से जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, जो भी हमारे भक्तिमय जीवन में जो सारी बाधाएं आती है उन सारी बाधाओं को वो दूर कर सकते हैं। जैसे पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा किया था कि ये सारे गोस्वामी जो है ये कौन है, जैसे गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्ण, और उनके निकटतम जो राधा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं वो है सखियां, अष्ट सखी। मायापुर अगर हम जाते हैं तो मायापुर में श्री श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर में अगर हम देखते हैं श्री राधा माधव, और राधा माधव के पास में कौन रहते हैं, पूरे अष्ट सखी ललिता विशाखा। राधा रानी के बाजू में चार सखियां और भगवान माधव उनके साइड में चार सखियां ललिता विशाखा इंदुलेखा सुदेवी चंपकलता, ऐसा करके आठ सखियां हैं। तो इनमें से प्रमुख दो है ललिता और विशाखा, जो हमेशा राधा कृष्ण के निकट रहते हैं। और फिर ललिता और विशाखा जो है उनको जो असिस्ट करते हैं उनको कहते हैं मंजरी। और उसमें से जो हमारे वैष्णव आचार्य, ज्यादातर गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो है वो सारे ये मंजरियों के, इसमें उनका जो सिद्ध देह है वो मंजरी स्वरूप में है, जो हमेशा ललिता विशाखा के निकट संपर्क में रहते हैं कि अभी राधा और कृष्ण की लीला के लिए कौन सा सेवा करना है आपको। अगर राधा कृष्ण कहीं पर लीला कर रहे तो वहां पर फूल चाहिए उनको, तो फिर कृष्ण को फूल चाहिए तो राधा रानी ललिता जी को कहते हैं और ललिता जो है वो मंजरी को कहते हैं। तो ऐसा करके मैसेज जाता है कि अभी राधा रानी को फूल चाहिए,
कृष्ण को अर्पण करने के लिए। और फिर तुरंत फूल आता है और फिर पासवान होते 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 अंत में कृष्ण तक, कृष्ण की सेवा के लिए राधा रानी प्रेम से उसको अर्पण करते हैं। और कृष्ण जब फूल को अनुभव करते हैं और जब उनको आनंद होता है, तो जितने भी लोगों ने उस सेवा में भाग लिया, सब लोगों को 1000 गुना अधिक आनंद होता है। ये विशेषता है एकदम, कि जैसे कृष्ण की सेवा हम करते हैं और कृष्ण हमारी सेवा से संतुष्ट होते हैं, या वैष्णव हमारी सेवा से संतुष्ट होते हैं, कि उनके उनके हृदय में जो संतुष्टि होती है, उससे जिस व्यक्ति ने सेवा किया उनको आनंद अधिक बढ़ता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में जो द डायनामिक्स ऑफ सर्विस, जो सेवा करने का और सेवा के माध्यम से आशीर्वाद को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, वो हम सीखते हैं कई बार। इसीलिए ये जो हमारे गोस्वामी है, ये भला भांति जानते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के इतने निकट रहते हैं, कि कैसे राधा कृष्ण को हम जल्द से जल्द संतुष्ट कर सकते हैं, क्या करने से राधा कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे जल्दी, और क्या करने से उन्हें दुख होता है। तो ये सब चीज जो है वो जानते हैं, क्योंकि इतने नजदीक रहते हैं। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हम जानते हैं, संन्यास उन्होंने लिया था 24 साल की उम्र में, और संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने अपना जो मूल स्थान रहने का जो बेस था उनका, वो उन्होंने बनाया जगन्नाथपुरी, नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में। और वहां से रहने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु तकरीबन 2 साल के लिए दक्षिण भारत की यात्रा में निकल चले थे, कि सारे दक्षिण भारत में जो हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार सब जगह पर करना है। और महाप्रभु का जो प्रचार फॉर्मूला था बहुत एकदम सिंपल था, जैसा आज हम प्रचार करने के लिए 1 टाइम प्रोग्राम करते हैं, फिर 1 टाइम प्रोग्राम में लोग आते हैं, तो फिर उसमें से जितने बचे हैं उनके लिए हम लोग फिर 6 डे सेशन कोर्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, फिर उसमें से थोड़ा और बचते हैं, तो ऐसा करते करते अंत में कुछ लोग आखिरी तक रहते हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और भगवद गीता को समझना चाहते हैं अच्छे से। तो कलयुग में हम देखते हैं रुचि बहुत कम है, अलग अलग नया नया तरीका ढूंढना पड़ता है कैसे हम नए नए लोगों तक पहुंच सके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब थे उस समय पर, केवल चैतन्य महाप्रभु हाथ उठाते थे दोनों, दिखने में एकदम सुंदर, और संन्यास वेश अभी उन्होंने धारण किया है पूरा भगवा कपड़ा, और पूरा उनका अंग कांति तप्त कांचन गौरांगी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और लंबे 7 फुट इतने लंबे, और दोनों आंखों से कंटिन्यूस अश्रुधारा बह रही है, कीर्तन में मग्न है। तो महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते करते जाते थे जहां पर भी जाते थे, और केवल महाप्रभु को कीर्तन करते हुए देखकर ऐसा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन और आंखों से अश्रु आ रहे, हाथ ऊपर उठाया है, आनंद में नृत्य कर रहे हैं, तो महाप्रभु को देखकर ही कई लोग थे वो भक्त बन जाते थे, क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति है। इसलिए बताते हैं ना, भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त जब रहते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है, जो प्यूरिटी, प्यूरिटी इज द फोर्स,
उससे ही कई लोग जो है देख कर ही वो जो इफेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो एक अलग ही होता है पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही नृत्य करते करते हाथ उठाकर जाते थे। कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु देख कुछ लोग को लोग महाप्रभु को देखते थे भक्त बन जाते थे, कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु देखते थे और ग्लैंस के माध्यम से केवल दृष्टिपात करने के माध्यम से ही महाप्रभु उनको भक्त बना देते थे और वो लोग सब हरि कृष्णा महामंत्र का जप करते थे। और कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु जाकर आलिंगन करते थे, वो लोग और भी पागल हो जाते थे। महाप्रभु का आलिंगन को एक बार किसने सब बोलते ना जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसा कोई सॉकेट में अगर उंगली डालकर हाई इलेक्ट्रिसिटी है शॉक लगता है तो कैसे लगता है, एक अलग ही पूरा हाथ पैर पूरा ऐसे ये हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का पूरा कृष्ण शक्ति से पूरे आवाहित है पूरा चैतन्य महाप्रभु। तो वो किसी को आलिंगन करते थे सरचार्ज्ड विद कृष्ण शक्ति। महाप्रभु जब वो शक्ति के साथ किसी को आलिंगन करते थे तो सामने वाला जो व्यक्ति था पूरा कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का स्ट्रैटेजी कहो या जैसा भी हम कहना चाहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो थे जगन्नाथ पुरी से कीर्तन करते करते अलग अलग जगह पर दक्षिण भारत में महाप्रभु घूम रहे थे एक से दूसरे जगह पर। तो उस समय पर चैतन्य महाप्रभु जो थे दक्षिण भारत में एक बहुत ही विशेष स्थान है तीर्थ क्षेत्र, उसका नाम है श्रीरंगम। आप में से अभी मैं पूछ के समझ नहीं पाऊंगा, सामने रहता तो मैं पूछता था आप में से कितने लोग हैं जो श्रीरंगम गए हैं, श्रीरंगम धाम। तो कुछ लोग हाथ उठाएंगे तो पता चलता था, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा मुझे। तो श्रीरंगम जो उधर तिरुचिरापल्ली के पास में एक बहुत ही तीर्थ स्थान है। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में पहुंचे तो उस समय पर वहां पर बहुत और रंगनाथ जी का मंदिर, भगवान विष्णु वहां पर सोए हुए हैं। तो श्री वैष्णव का ये सबसे पहला जो 108 दिव्य देशम है उसमें से सबसे पहला दिव्य देशम ये है, 108 दिव्य देशम में से श्रीरंगम। और बहुत ही बड़ा मंदिर है, देख कर ही हमको आश्चर्य लगेगा उस समय पर बनाया हुआ जो मंदिर है, हजारों साल पहले बनाया हुआ। तो वहां पर रंगनाथ जी के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे। और ये मंदिर में मुख्य रूप से हम जानते हैं अगर महाराज की यात्रा में अगर हम गए तो 2005 में 2010 में हम लोग श्रीरंगम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लेकर गए थे। बहुत सुंदर कथा कीर्तन सब हमने किया था वहां पर। और श्रीपाद रामानुज आचार्य और उनसे पहले श्रील यमुनाचार्य, ये सब महान आचार्यों का जो जो मेन हेडक्वार्टर्स, श्री संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर्स जो है, जैसा हमारे लिए वृंदावन मायापुर मुख्य तीर्थ स्थान है गौड़ीय गौड़ीय भक्तों के लिए, तो उसी प्रकार से श्री वैष्णव के लिए जो मुख्य तीर्थ स्थान वो है श्रीरंगम। तो उस स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए थे। और जैसे महाप्रभु का नित्य नृत्य सब जगह पर महाप्रभु कर रहे, और यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और सामने भगवान श्री रंगनाथ जी, रंगनाथ जी के प्रसन्नता के लिए संतुष्टि के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है नृत्य कर रहे नृत्य कर रहे नृत्य कर रहे, और पूरा भाव विभोर होते होते चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। और
और फिर उन्होंने देखा, सारे भक्त लोग वहां पर देख रहे चैतन्य महाप्रभु को नित्य करते हुए। तो वहां पर महाप्रभु का जब नृत्य इत्यादि समाप्त होने के बाद, तो वहां के जो मंदिर के जो मुख्य जो हेड प्रीस्ट थे उस समय पर, उनका नाम था वेंकट भट्ट। तो बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार के वहां पे व्यक्ति थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा नृत्य करते हुए, और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से एक निवेदन किया। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, अभी जो है जून का समय है, तो उस समय पर जून का समय था, और जैसा कि हम जानते हैं कि बरसात जब शुरू होने वाला होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, चातुर्मास, जो अभी भी हमारा चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास का समय जस्ट शुरू होने वाला था। और उस समय पर तो ये प्रथा थी कि उस समय पर जो चातुर्मास के समय पर जो साधु संत होते हैं, वो लोग जो भ्रमण करते हैं सब जगह पर, भ्रमण करके प्रचार कार्य जो होता है, चातुर्मास के समय पर वो लोग एक जगह पर रहते हैं और प्रचार का कहीं पर जाते नहीं है, एक जगह पर रहकर भजन करते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु भी पूरा साधु के वेश में ही है, तो फिर वेंकट भट्ट जी ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया और उन्होंने कहा कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी चातुर्मास का जो समय है, अभी शुरू होने वाला है बरसात का समय, तो आप तो एक जगह पर ही कहीं पर निवास करने का इच्छा रखेंगे, तो मेरा निवेदन है कि आप जो है मेरे घर पे कृपया करके चातुर्मास का समय बिताइए। हमारा परिवार आपका बहुत कृतज्ञ रहेगा कि आप जैसे महान संत जो है आप हमारे यहाँ पर आएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे करके उन्होंने निवेदन किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट का जो निवेदन था उसको स्वीकार किया, और चैतन्य महाप्रभु जो थे वेंकट भट्ट के घर पर वो चले गए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पैर रखा एंट्रेंस पर ही, वेंकट भट्ट अपने सारे परिवार के साथ, जैसे पे उस समय पर प्रथा थी कि कोई साधु संत आते हैं घर में तो फिर उनका पैर का, उनको पैर को धोना चाहिए, और फिर चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने पैर को धोया। पैर को धोने के बाद जो उसका चरणामृत जो पानी था, वो स्वयं उन्होंने पिया, अपने सिर पर डाला, और अपने सारे जो परिवार वाले थे, अपनी पत्नी को और उनके बच्चों को सबको बुलाया, और चैतन्य महाप्रभु का साक्षात जो चरणामृत उसको सबको पीने को दिया। तो उस समय पर जो उनका 7 साल का उस समय पर जो बालक था, उनका नाम था गोपाल भट्ट, जो आगे चलकर हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से जानते हैं। तो ये गोपाल भट्ट बालक 7 साल का, तो पहला मुलाकात या पहला दर्शन चैतन्य महाप्रभु का ले रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत 7 साल के बालक को उनके पिता वेंकट भट्ट ने पिलाया। तो जैसे ही, और ये सब गोपाल भट्ट देख रहे उनके पिता को स्वयं, कि कैसे ये साधु संत उनके घर पर आए हैं भगवे कपड़े में, इतना सुंदर दिखने में। गोपाल भट्ट देख रहे कि पिताजी ने पैर धोया ये और सबको पिलाया। तो जैसे गोपाल भट्ट ने वो चरणामृत पिया, बताते हैं कि उनके अंदर एक अलग ही एक शक्ति या एक आवेश उनके अंदर आ जाते हैं वो पी करी। जैसा चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। बोलते हैं कि अगर श्रद्धा पूर्वक कोई अगर ये 3 चीज का सेवन करता है, तो ये बहुत ही
शक्तिशाली, वो क्या है, भक्त पद धूली। अगर किसी ने भक्तों का चरण धूली को लेकर अपने सिर पर लगाया, भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, भक्त का पैर धोया हुआ जो जल को अगर कोई पीता है, भक्त भुक्त अवशेष, या कोई शुद्ध भक्त का जो उच्चिष्ट, अगर शुद्ध भक्त ने खाने के बाद कोई महाप्रसाद या उसका उच्चिष्ट अगर कोई खाता है, तो तीन चीज, भक्त पद धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल, ये तीन जो है अगर श्रद्धा पूर्वक किसी ने किया तो इसमें बहुत शक्ति है। तो भक्त जिसका हम धूल लेते हैं या चरणामृत लेते हैं या जिसका महाप्रसाद हम खाते हैं, तो उस भक्त का जो शक्ति है वो हमारे अंदर भी उसका भक्ति का शक्ति हमें मिलती है। जैसा नारद मुनि के इसमें भी हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि नारद मुनि की माँ जो थी चातुर्मास के समय पर ही, यही समय था अभी, भक्ति वेदांती, उस समय पर भक्ति वेदांत कुछ साधुगण है वो वहां पर एक जगह पर रुकते हैं और नारद मुनि की माँ उनकी सेवा करती है, और जो साधु का जो उच्चिष्ट जो होते हैं वो बेटा नारद मुनि 5 साल का उनको खिलाती है। जैसे ही नारद मुनि वो खाते हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में जो भी पाप और जो भी भौतिक इच्छा थी सब समाप्त हो जाता है, और नारद मुनि का जो भक्ति में प्रगति के बारे में जो शुरू होता है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, तो बताते हैं कि ये पूरा भक्ति वेदांत का केवल उच्चिष्ट को खाकर नारद मुनि का भक्ति का जीवन, जो ये एक नौकरानी के जब गर्भ में उन्होंने जन्म लिया था, तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 4th अध्याय में, हाँ वो पूरा 4th, 5th, 6th, 7th अध्याय तक व्यासदेव को नारद मुनि अपनी कथा बता रहे कि व्यासदेव जी ये साधु संघ इतना शक्तिशाली है कि मेरा जो भक्ति का जीवन ही व्यासदेव एक भक्ति वेदांत का उच्चिष्ट खाने से शुरू हुआ, ऐसा करके पूरा वो बता रहे वहां से लेकर आगे तक, जहां पर नारद मुनि ने भगवान का संघ दर्शन प्राप्त किया और उसके बाद उनको फिर अगला ये नारद मुनि का शरीर प्राप्त हुआ, तो उनका पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो बचपन का पहला जो एक पावरफुल जो शक्ति उनको मिला वो था साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु का पैर का पानी, चरणामृत उन्होंने स्वीकार किया, और वो पीने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरा भाव विभोर हो जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु से पूरा आसक्त हो जाते हैं। पूरा वो देख रहे कि कैसे उनके पिताजी इतनी आतुरता के साथ चैतन्य महाप्रभु की रोज 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 सेवा कर रहे हैं। ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी देख रहे, देखते 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 उनका हृदय जो था वो चैतन्य महाप्रभु से पूरा आसक्त होते गया होते गया होते गया, और फिर वो देखते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो भी चैतन्य महाप्रभु का जो सेवा था, 4 महीना भी उनके घर में, शास्त्र में बताते हैं कि साधु संग लव मात्र होए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, साधु संग सर्व शास्त्र पर, लव मात्र अर्थात 1 सेकेंड का 1/8 सेकेंड, 1 सेकेंड का 8 हिस्सा करेंगे तो उसमें भी अगर हमको उतना साधु संग मिलता है तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो ये तो भगवान का ही संग, वो भी लव मात्र नहीं, 4 महीने के लिए
हम सोच भी नहीं सकते कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, नमो महाधन्य महाधन्याय अवतार में आए हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे श्रीरंगम में 4 महीने के लिए वहां पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि उनके पिता वेंकट भट्ट ने उनको निवेदन किया, कृपया करके प्रभु आप हमारे घर रहिए करके। तो इससे पूरा परिवार का जो भाग्य जो उदय हो गया कि दिन रात वो चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे, चैतन्य महाप्रभु की जो भी सेवा है वो सेवा कर पा रहे और सब पूरा परिवार जो है भक्ति में फिफ्थ गियर एकदम तेजी रूप से वो आगे बढ़ते जा रहे। तो ऐसा गोपाल भट्ट थे, चैतन्य महाप्रभु का रोज सेवा कर रहे थे और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान कृष्ण है, राधा रानी के प्रिय भगवान श्याम सुंदर। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक मन में बहुत दुख होता है, वो सोच रहे कि इन्होंने सन्यास क्यों लिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान जिनका हम जब गुणगान करते हैं तो उनके सुंदर जो बाल है, सुंदर बालों का गुणगान किया जाता है, भगवान का सुंदर पीताम्बरी वस्त्र का वो पहनते हैं, वो सब चीज के बारे में गुणगान करते हैं। लेकिन अभी सन्यास रूप में अगर हम देखेंगे तो एकदम साधु की तरह पूरा बाल उन्होंने पूरा शेविंग कर लिया है, हम जानते हैं कटवा करके जगह है नवदीप के आगे जहां पर महाराज पूरा सुंदर तरीके से लॉर्ड गौरांगा टेक सन्यास। एक बार हमारे भारतीय विद्या भवन में चर्चगेट में ड्रामा फेस्टिवल में भी भक्तों ने ये ड्रामा किया था। वो देखते कोई भी देखता है तो उसको रोने लग जाता है, या महापुर महाराज जी का कथा भी अगर सुनते हैं कि वो क्या सिचुएशन था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं होते हुए क्यों चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे, क्यों उन्होंने अपनी जो प्रिय माता सची देवी उनको त्याग दिया, अपनी प्रिय पत्नी जो विष्णु प्रिया थी उनको त्याग दिया, क्या जरूरत था भगवान को संन्यास लेने का। केवल एक ही कारण था। क्यों? क्योंकि उनको प्रचार करना था। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास के रूप में आएंगे तब ही लोग उनको ज्यादा सीरियस लेंगे। उस समय पर वो जब सन्यासी नहीं थे उस समय पर प्रचार करने का प्रयास किया लेकिन लोग उतना वैल्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को लगा अरे मेरा मिशन है कि हरिनाम को बांटना, लेकिन अब मैं घर में रहकर जब मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूं तो लोग मेरे संदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन अगर मैं सन्यास लूंगा तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से लोग जो है एक सन्यासी को स्वाभाविक रूप से आदर सम्मान देते हैं और उससे जो मैं उनको मैं संदेश दे सकूंगा हरि नाम के बारे में, श्रीमद् भागवत के बारे में, मनुष्य जीवन का महत्व के बारे में, ये सब मैं उनको ज्ञान दे सकता हूं। तो केवल हम सबको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। तो गोपाल भट्ट जो बालक के रूप में थे वो महाप्रभु के सामने वहां पर बैठकर रो रहे थे कि महाप्रभु भगवान स्वयं एक सन्यासी के रूप में है और अपने सुंदर केश भूषा को उन्होंने केश को पूरा शेव कर दिया, सुंदर जो उनका नवदीप चंद्र गौर हरि जो सुंदर
कपड़ा जो पहनते थे वो सब उन्होंने त्याग करके सिंपल जो भगवा वस्त्र है सन्यासी का उसको त्यागा। तो गोपाल भट्ट सोच रहे, मैं इतना अभागा था कि मैं भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो नवदीप लीला था जो 24 साल तक थे वो नवदीप में, तो वो लीला मैं देख नहीं पाया और मैं उनको केवल अभी ये साधु के भेष में मैं उनको देख पा रहा हूं, तो पहले मैं देख नहीं पाया। ऐसा सोच सोच कर बालक गोपाल थे वो बहुत अपने आप को कोस रहे थे कि मैं इतना दुर्भागी हूं कि काश मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के नवदीप चंद्र लीला को देख पाता था। ऐसा करके वो अपने आप को कोस रहे थे और सो गए धीरे धीरे। और जैसे ही वो सोए तो उस समय पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो अभी गोपाल भट्ट है, अभी गोस्वामी का उनको पद नहीं मिला है, बालक गोपाल भट्ट, तो उनके सामने चैतन्य महाप्रभु ने जो है पूरा जो नवदीप चंद्र गौर चंद्र जो उनका स्वरूप था उसका उन्होंने दर्शन दिया। तो चैतन्य महाप्रभु नवदीप में हरि नाम संकीर्तन करते थे, वहां पर जो हम लीला हम सुनते हैं, श्रीवास आंगन में वहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने निकटतम पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते थे। दिन रात नगर संकीर्तन, चांद काजी के साथ लीला हुई थी, हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को लेकर कीर्तन करते हुए चांद काजी के वहां पर जाते हैं नगर संकीर्तन करते करते। तो ये सब दृश्य जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बालक जो गोपाल भट्ट है वो सब स्वप्न में वो देख पा रहे, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर, श्रीवास, ये सारे जो पंच तत्व है ये सबको देख पा रहे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी एकदम आनंदित हो जाते हैं और फिर ऐसे नींद से वो उड़ जाते हैं ये देखकर, अरे क्या दृश्य था। और जैसे ही वो उड़ जाते हैं तुरंत पास में जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जो रूम है वो रूम के अंदर वो उधर प्रवेश करते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहां पर बैठे हैं और उनके चरण कमल पर गोपाल भट्ट जाके गिर जाते हैं। और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उठते हैं वो क्या देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्याम सुंदर जो वृंदावन कृष्ण का जो रूप था, एक सन्यास रूप से उन्होंने अभी त्रिभंग रूप बांसुरी मोर पंख वो पूरा रूप उन्होंने अभी धारण किया है और बालक गोपाल भट्ट की जो इच्छा है भगवान को सन्यास रूप में नहीं देखना चाहते, वो भगवान को उनका सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, असली जो उनका वृंदावन का रूप था। तो उनको श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन होता है और गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट बालक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद भगवान उनको उनका नवदीप का जो इच्छा था, नवदीप चंद्र, सच्ची माता के पुत्र नवदीप चंद्र के रूप में वो उनको पूरा दिखाते हैं और वो भी गोपाल भट्ट देख रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद गोपाल भट्ट जो है एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, उनके आंखों से नृत्य अश्रु बह रहा है, वो पागल हो जाते हैं पूरा। और बार बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर पर गिर रहे हैं और फिर भगवान ने उनको उठाया और कहा कि अभी बस हो गया, अभी उन्होंने फिर वो जो नॉर्मल उनका जो सन्यास का जो रूप था वो सन्यासी रूप में वापिस से आ जाते हैं। तो गोपाल भट्ट की जो इच्छा थी बालक गोपाल भट्ट की, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूरा किया। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन, संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट से कहा कि हे गोपाल भट्ट, आप जो है
जब तक आपके माता और पिता, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, तो जब तक आपके माता पिता ये भौतिक जगत में उपस्थित है यहाँ पर श्रीरंगम में, आप आपकी माता और पिता की अच्छे से सेवा करना। और उसके बाद जब आपके माता पिता शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद जो है आप वृंदावन में चले जाओ और वहां पर श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी, इन दोनों को मैंने बता कर रखा है कि क्या मेरा आगे का मिशन क्या है, कौन सी दिशा में जाना है, क्या क्या सेवा है। तो आप रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के शरण में चले जाओ और आगे का जो आपका सेवा है वो आपको पूरा वहां पर पता चलेगा। तो उनका जो सेवा के विषय में उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा प्रदान किया कि माता पिता की सेवा करो, जब तक माता पिता है, और माता पिता जाने के बाद वृंदावन में जाकर रूप और सनातन गोस्वामी का उनको पास संग में रहो, ऐसा करके महाप्रभु ने कहा। फिर अगले दिन एक बार चैतन्य महाप्रभु जो थे गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट, उनके पास बैठे थे, अलग अलग चर्चा चल रही थी। और उस समय पर चैतन्य महाप्रभु ने जो वेंकट भट्ट जो थे उनसे एक प्रश्न पूछा, क्योंकि वेंकट भट्ट थे वो लक्ष्मी और नारायण उनकी सेवा करते थे, लक्ष्मी जी और नारायण भगवान उनसे आसक्त थे, जो भगवान कृष्ण के ही विस्तारित रूपों में से हम देखते हैं, नारायण और राधा रानी से विस्तारित होते होते लक्ष्मी जी वो रूप में आते हैं, जहां पर उनका सेवा ऐश्वर्य के साथ होता है लक्ष्मी और नारायण का। तो चैतन्य महाप्रभु ये जानते थे कि गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट जो थे लक्ष्मी नारायण के खास प्रेमी सेवक थे। तो एक दिन उनको प्रश्न पूछा कि हे वेंकट भट्टा, आपके लक्ष्मी जो थे उन्होंने नारायण को सेवा छोड़कर वो वृंदावन में कृष्ण को पाने के लिए क्यों जाती है, कृपया करके बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि लक्ष्मी जी नारायण जी को छोड़कर वृंदावन में अंदर प्रवेश करने का ब्रज धाम में प्रयास कर रही है। तो गोपाल वेंकट भट्ट ने कहा कि ए स्वामी, आप ही सब जानते हैं, आप ही स्वयं भगवान है, आपको क्या नहीं पता। मेरे हिसाब से तो भगवान कृष्ण नारायण दोनों एक ही है, एक ही भगवान है, सिर्फ इतना है कि भगवान नारायण जो है वो ऐश्वर्य दिखाते हैं और भगवान कृष्ण वृंदावन में अपना माधुर्य दिखाते हैं, बस वही फर्क है, बाकी सब तो दोनों में सेम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपके जो अधिष्ठा देवी लक्ष्मी जी क्यों बेलवन में, वृंदावन में एक जगह है बेलवन, जहां पर लक्ष्मी जी आज भी बैठकर तपस्या कर रही है। क्यों तपस्या कर रही है? क्योंकि लक्ष्मी जी को रास लीला के अंदर प्रवेश करना है, लेकिन लक्ष्मी जी को अलाउड नहीं है रास लीला में प्रवेश करने। हम बोलेंगे अरे क्यों भाई, लक्ष्मी जी को क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है बताया जाता है कि अपना जो पद है के महालक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्चून, वो पद से आकर आसक्त है और उसको छोड़कर एक सिंपल जो ब्रजवासी जो होते हैं वो भाव स्वीकार नहीं कर पाई है, वो अपने ऐश्वर्य से आ सकते हैं। तो जहां पर ब्रज की बात आती है या रासलीला की बात आती है, तो गोपियों का जो है
उनका सेवा क्या है? केवल सिंपल, गाय के गोबर को जमा करना, उसको लेपना, मंथन करना दही का, उसमें से मक्खन निकालना। तो ये बहुत ऐसा सिंपल सर्विस है और लक्ष्मी जी का बहुत ऊंचा पद है। तो क्योंकि लक्ष्मी जी वो पद को छोड़कर ये सो सरल, जो ब्रज का, जो गोपियों का जो है सरल, गोबर के साथ खेल निकालना और ये सब, ये सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको रास लीला में अंदर प्रवेश नहीं मिला। तो इसीलिए वो बेल वन में आज भी बैठकर तपस्या कर रही है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जिससे वो रासलीला के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो वो चैतन्य महाप्रभु जो है वेंकट भट्ट को प्रेम से पूछ रहे कि आपकी लक्ष्मी जी क्यों बैठकर बेल में तपस्या कर रही है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उनको वृंदावन का जो माधुर्य रस क्या है और अन्य जगह पर जैसे द्वारका, वैकुंठ इत्यादि, वहां पर ऐश्वर्य रस, ये दोनों रस के बारे में उनको बताते हैं कि कैसे वृंदावन में जो है माधुर्य सबसे टॉप मोस्ट है। ब्रजवासी सब जानते हैं भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी वो भगवान को भगवान के रूप में कभी देखना नहीं चाहते हैं और कभी स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य जो है ना वो माधुर्य को बहुत डाउन कर देता है। अगर आपको पता है कि ये जो व्यक्ति है आपके मित्र या जो भी है ये बहुत बड़े व्यक्ति है, तो फिर वो फिर बोलते हैं ना वो दोस्ती में एक थोड़ा बाउंड्री लग जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके लेवल के लोगों के साथ ही रिलेशनशिप रखता है। ऊंचा लेवल का रहेगा तो फिर उसमें उतना प्रेम से आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए जहां पर ग्रेटनेस की बात आती है तो फिर उधर वो स्वीटनेस कम हो जाता है। तो इसीलिए वृंदावन में हमेशा हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण माधुर्य को ज्यादा प्रोमिनेंस देते हैं, कहीं पर भी वो अपना भगवतता को दिखाते नहीं है। और कहां कहां पर ऐसा कभी पता भी चल जाता है, जैसा हम देखते हैं कि जब भगवान ने मिट्टी खा लिया था उधर, और यशोदा मैया ने जब मुंह खोलने को कहा और भगवान ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को भगवान के मुंह में देखा, और 2 सेकंड के लिए एकदम, अरे ये कौन है, मेरा बालक ही, कि ये कौन भगवान, एक क्षण के लिए ऐसा ऐश्वर्य आता है, लेकिन तुरंत भगवान उसको योग माया से ढक देते और भूल जाते हैं। तो योग माया का काम है कि वहां पर कवर करना। भौतिक जगत में वही योग माया महामाया के रूप में आकर हमारे ऊपर आवरण पर्दा डाल देती है, जिससे हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं और हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये महामाया का कर्टन। लेकिन वही महामाया वृंदावन में योग माया का कार्य करती है, जो भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए जहां पर भी किधर कुछ ऐश्वर्य का दर्शन देख लिया अगर ब्रजवासी ने, और जहां अगर उनको समझ में आया अरे ये कौन है, ये कहीं भगवान तो नहीं, तुरंत कर्टन डाल देती है, नहीं नहीं अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जैसे बिजली कड़कती है तो ये डर कर मेरी गोद में उड़ी मारता है, ये थोड़ी भगवान हो सकता है, तो ऐसा करके पूरा सिचुएशन को बदल देते हैं। तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो है गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का वृंदावन में कृष्ण की माधुर्य लीला सर्वोत्तम, जिससे वो द्वारका में ऐश्वर्य लीला से भी
सर्वोत्तम जो है कृष्ण की माधुर्य लीला। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को कह रहे कि यहां तक कि द्वारका के भगवान के सबसे निकटतम जो भक्त थे कौन थे? उद्धव जी। भगवान जब वृंदावन से निकलकर चले जाते हैं और सारी गोपियां को कहते हैं कि मैं वापिस आऊंगा, और कई साल बीत गए, भगवान आए नहीं अभी तक, और सब लोग रुके हैं भगवान के आने के लिए। तो उस समय पर भगवान जो थे अपने दूत को, मैसेंजर, किसको भेजते हैं वृंदावन में गोपियों को सांत्वना देने के लिए? उद्धव जी को भेजते हैं एक मैसेज के साथ, और उद्धव जी को बोलते आप जाइए गोपियों को सांत्वना दीजिए। तो उद्धव जी को लगा अरे मैं भगवान का निकटतम मित्र हूं, मैं जाकर इनको सांत्वना दूंगा, ये सोचकर उद्धव जी आए। लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने वृंदावन का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम देखा अलग अलग भक्तों का और खासकर गोप गोपियों का, उद्धव जी को पूरा शौक लग गया अपने जीवन का, क्योंकि उद्धव ने कभी ऐसा प्रेम देखा नहीं था और स्वयं कभी इतना ऊंचा स्तर में उनका स्वयं का प्रेम भी कभी कृष्ण के प्रति नहीं था। वो तो देखकर उद्धव जी पूरा नम्र हो जाते हैं, इतना नम्र हो जाते हैं कि उद्धव जी जो है प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत में, आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पतं च भित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिमिर्विगृह्याम। वो बोलते आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। वो बोलते अहो, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि मैं क्या सोचकर गया था। जैसा कि सोचिए कि अगर आप सोच रहे कि आपका कोई मित्र हॉस्पिटल में है कोई कैंसर जैसा कोई बीमारी से बहुत दर्दनाक परिस्थिति में, और आप उसको हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं ताकि उसको आप सांत्वना देने के लिए, और आप हॉस्पिटल जाने के बाद उल्टा हो जाता है, आपका तो सांत्वना उसको देना छोड़ दो, वो आपको प्रोत्साहन दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? पूरा मैच ही घूम गया। तो ये भी कुछ ऐसे ही उस प्रकार से होता है। उद्धव जी गोपियों को सांत्वना दे जाते हैं और रिटर्न में उद्धव जी खुद सांत्वना लेकर आ रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे कि आसाम अहो चरण रेणु श्याम अहम श्याम, मुझे तो गोपियों का चरण कमल प्राप्त करना है। वृंदावने किमपि गुलमल औषधीनां, तो मैं क्या बनना चाहता हूं? एक छोटा सा तृण, ग्रास, तृणादपि सुनीचे ना बोलते ना, तृण, घास, सबसे नम्र, कोई पैर देकर जाएगा घास के ऊपर तो घास कभी उलट के गाली नहीं देगा, अरे देख के नहीं चल सकते क्या? नहीं, पैर दिया तो घास झुक जाएगा, इसीलिए तृणादपि सुनीचे। तो उद्धव जी वृंदावने तृण गुलमल औषधीनां, वो एक गुलमलता ग्रास बनना चाहते ताकि ये सब लोग उनपे पैर देकर जा सकते हैं। तो ये उद्धव जी ने स्वयं अनुभव किया वृंदावन, और वृंदावन का जो भक्ति है इसका सर्वोत्तम स्तर क्या है ये उद्धव जी ने स्वयं अनुभव किया। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु जो थे पूरा वेंकट भट्ट और साथ में जो पूरा परिवार थे उन परिवारों को एक सत्संग के रूप में, घर में है 4 महीने के लिए तो एक सत्संग के विषय में एक उनको बताया कि कैसे वृंदावन का प्रेम जो है सबसे ऊंचे स्तर पर ये प्रेम है पूरे ब्रह्मांड में, और उसी प्रेम को, हाँ वृंदावन के प्रेम को हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको अनुभव करके कलयुग के जीव को बांटने के लिए आए थे। तो
आए हैं ताकि जो भी इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के दिए गए आदेशानुसार नियम अनुसार पालन करेगा तो वो उस वृंदावन के प्रेम को अंत में वो प्राप्त कर सकता है। तो उस दिशा में हमारे सारे आचार्य की शिक्षाएं जो है वो इसी सर्वोत्तम जो प्रेम है वृंदावन का, जहां पर केवल मधुरता है, ऐश्वर्य का लेश मात्र भी यहां पर नहीं है। तो इसीलिए बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल राधा श्याम सुंदर, भगवान के श्याम सुंदर रूप को पूजा करना चाहते हैं, उनको भगवान नारायण के रूप से रूप का पूजा करने का, या और जो वैकुंठ में जो भगवान की अलग अलग रूप है तो वो सब रूप में भी वो भगवान को देखना नहीं चाहते, ऐश्वर्य है वहां पर, केवल प्योर माधुर्य, क्योंकि उसी में प्रेम का पूरा आदान प्रदान होता है। ऐश्वर्य की जब बात आती है तो थोड़ा दास्य भाव आ जाता है, जैसा कोई बॉस है और उसका कोई नौकर है तो उसमें भाव अलग है, एक बॉस है दूसरा है सर्वेंट। लेकिन जब वृंदावन की बात आती है तो वहां पर दास्य के आगे सख्य रस, भगवान के जो मित्र है श्रीदामा सुधामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण, ये सब भगवान के सख्य रस। वात्सल्य रस में हम देखते हैं नंद यशोदा और अन्य बाकी जो गोपा है गोपियां है जो भगवान के साथ वात्सल्य रस में प्रेम करती है, और फिर माधुर्य रस में जो सारी गोपियां है राधा रानी और बाकी अन्य गोपियां। तो इसीलिए ये जो वृंदावन का रस ये सबसे सर्वोत्तम रस है। इसीलिए भगवान कृष्ण का जो एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति अर्थात जो भगवान जो सारे रसों के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, अखिल रसामृत मूर्ति, ये भगवान कृष्ण का जो नाम है जिसमें हर एक जीव का उस भगवान कृष्ण के साथ किसी ना किसी एक रस में हमारा उनके साथ स्वाभाविक एक प्रेम का रिश्ता है हमारा। तो जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे, जैसे जैसे हमारा अंदर अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जब साफ होगा और धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब वास्तव में हम कौन से रस में भगवान की सेवा करते हैं वो सब चीज के बारे में हमको तभी अनुभूति पता चलती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु के कृपा से हमें पता चलता है। तो ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग सत्संग का विषय चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में, जहां पर उनका पूरा परिवार, उनके और भाई भी थे त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, ये उनके भाई और छोटे गोपाल, ये सब लोग सुन रहे थे। तो ऐसा करते करते बताते हैं कि 4 महीना वहां पर उनके घर में बीत जाता है और चैतन्य महाप्रभु भी 4 महीना बीतने के बाद अभी विदाई ले रहे हैं। ऑल गुड थिंग्स शाल हैज टू कम टू पास बोलते हैं ना, तो जैसे ये परिवार को हम सोच नहीं सकते, एक क्षण भगवान का दर्शन मिलना मतलब इतनी बड़ी बात है। अगर किसी ने 4 महीने तक दिन रात ऐसा दर्शन और सत्संग का अनुभव किया है, साक्षात भगवान उनके घर में इतना सेवा करने को मिला, अभी वो जा रहे हैं 4 महीने के बाद, तो पूरा परिवार रो रहा है रो रहा है रो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है कुछ भी, कि वो सोच रहे अरे इतना सुवर्ण अवसर हमारे हाथों से जा रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो सोच रहे ये 4 महीने में जो भी अलग अलग बेस्ट एक्सपीरियंसेस होता है, कई बार हम कहीं यात्रा में जाते हैं महाराज के साथ 10 दिन 15 दिन वृंदावन यात्रा में, और रोज अलग अलग जगह पर जाते हैं,
गोवर्धन परिक्रमा, एक दिन बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन, इतना आनंद आता है। फिर शाम को पंडाल में कथा सुन रहे महाराज का, सुबह रात भक्तों के संग में, रात में जाके होटल में आराम करते हैं, तो वो एक अलग अलग अनुभव है। और फिर आखिरी दिन जब, मुझे याद है यात्रा का जब लास्ट डे होता है और अभी यात्रा समाप्त होने वाली है, दिवाली वेकेशन अभी समाप्त होने वाला है, सब सोच रहे हैं अभी प्रभु जी लोगों को अपने ऑफिस जाना है, 2-3 दिन के बाद वापस दिवाली छुट्टी खत्म ऑफिस, वो सोचकर उनको, अरे वृंदावन से निकल कर अभी वही ऑफिस में जाओ, वही बॉस, बच्चे सोच रहे वही टीचर, वही स्कूल, माता जी सोच रहे हाँ वही घर, वही घर के कार्य सब बनाना, ये करना वो करना, या जो ऑफिस जाते हैं माता जी वो सोच रहे वही ऑफिस में जाना। तो हर एक को आखिरी दिन वो यात्रा का, जहां पर महाराज, हाँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, तो महाराज हमेशा बोलते, सो वी आर नॉट कंक्लूडिंग अवर यात्रा, वी विल कंटिन्यू अवर यात्रा नेक्स्ट ईयर, ऐसा करके एक पॉजिटिव नोट में बोलते, और यात्रा इज जस्ट विल कंटिन्यू, ऐसा करके। तो सब लोग, परिवार पूरा, गोपाल भट्ट, गोस्वामी, वेंकट भट्ट, सब रो रहे हैं, और महाप्रभु से आशीर्वाद सब लोग लेकर, महाप्रभु उनको सबको आशीर्वाद देते हैं, और वहां से चैतन्य महाप्रभु फिर निकल जाते हैं। और जैसे महाप्रभु ने बताया, कुछ साल होते होते वेंकट भट्ट और उनकी जो पत्नी थी वो बूढ़े हो गए, और थोड़े सालों के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और निश्चित रूप से वो कहाँ जाएंगे उसके पर तो कोई शक है ही नहीं, जिसने चैतन्य महाप्रभु का इतना अच्छे से सेवा किया, श्रीरंगम धाम में रहते थे, रंगनाथ जी का दर्शन करते थे रोज, रंगनाथ जी का सेवा करते थे, वो सब गोलोक वृंदावन भगवान के धाम चले जाते हैं। और फिर महाप्रभु के आदेश के अनुसार अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन की ओर आने के लिए वो निकल जाते हैं, और वृंदावन में आते ही वो पहले देखते हैं कि ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहाँ पर है, और जैसे ही रूप और सनातन गोस्वामी को देखते हैं, और रूप और सनातन देखते हैं गोपाल भट्ट, चैतन्य महाप्रभु ने इनको संदेश दिया होता है कि बहुत ही जल्द दक्षिण भारत श्रीरंगम से गोपाल भट्ट आपके सामने आएंगे, आपके एक छोटा भाई जैसा उनको स्वीकार करके प्रेम से रहना सब लोग। और जैसे गोपाल भट्ट आते हैं, रूप सनातन गोस्वामी आनंदित हो जाते हैं, और एकदम जैसे एक छोटे भाई की तरह वो उनको अपने संग में लेकर, साथ में बैठकर सब लोग भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि ये करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु उस समय पर पुरी से दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से रिटर्न पुरी पहुंचते हैं, और फिर पुरी जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु को तो सब पता है, लेकिन फिर भी हाँ एक दिन पूछते हैं भक्तों से कि गोपाल भट्ट का अभी क्या चर्चा है, अभी समाचार क्या है, क्या गोपाल भट्ट अभी वृंदावन पहुंच गया कि क्या है अभी समाचार। तो उस समय पर एक पत्रकार जो है पत्र लेकर वो वहां पर आते हैं, और फिर वो समाचार देते हैं, रूप गोस्वामी लिख पत्र लिखा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए, और इतने अच्छे भक्त हैं, इतना अच्छा उनका गुण है, और हम सब साथ में यहाँ पर रह रहे। और चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदित हो जाते हैं ये सुनकर कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं, पत्र के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो उनका कोपिन होता है उसको, और कुछ कुछ जो स्वयं महाप्रभु ने इस्तेमाल किया था भजन करते समय, एक आसन में बैठते थे वो आसन, 2-3 चीज चैतन्य महाप्रभु ने गिफ्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए उस पत्रकार के हाथों उन्होंने भेज दिया, और फिर से वो वृंदावन में जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये गिफ्ट कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है कि आपने माता पिता की अच्छे से सेवा की और अभी आप वृंदावन में है, ये आपके लिए भेंट। तो
गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत आनंद होता है चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद को प्राप्त करके। फिर उसके पश्चात बताया जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे बहुत ही नम्र वैष्णव थे, इसीलिए जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं तो अलग अलग भक्तों के पास जाकर आशीर्वाद मांगते हैं। वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कविराज गोस्वामी से कहते हैं कि एक शर्त पर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, चैतन्य चरितामृत में कहीं पर भी आप मेरा नाम, कहीं पर भी मेरा नाम आना नहीं चाहिए। वो इतने नम्र थे कि उनको कहीं पर भी अपना कुछ नाम या उनके गुणों के बारे में वर्णन करना, वास्तव में जो एक सच्चा वैष्णव होता है वो कभी भी ये नाम, मेरा बड़ा नाम होना चाहिए, मुझे लोग जानने चाहिए, इसके पीछे कभी भी वो नहीं जाता है। जो सच्चा वैष्णव है वो भगवान का साथ में, उसको पता है जो भी मैं कर रहा हूं, जो मेरी सेवा है, भगवान कृष्ण उसको देख रहे और मुझे ये दुनिया में कहीं पर भी उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। जहां पर भी हम कहीं पर नाम के पीछे भागते हैं तो फिर हमारा हरि नाम के प्रति जो रुचि है वो हमें नहीं मिलेगा। एक तो है भौतिक नाम, दूसरा है हरि नाम, दोनों नाम है, लेकिन अगर हरि नाम के पीछे अगर हम पागल होना चाहते हैं तो हमें ये भौतिक जो नाम और लोग मुझे नेम फेम पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जो पूरा दुनिया इसी के पीछे पागल है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, लोग मुझे जानने चाहिए मैं कौन, लेकिन वैष्णव का इसके लिए कुछ भी वो नहीं रहता। इसलिए हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं मायापुर में और बोलते हैं कि श्रीधर कोलावेज को बुलाओ, सब भक्त लोग पूछ रहे अरे श्रीधर कोलावेज कौन है, भक्तों के कम्युनिटी में भी श्रीधर कोलावेज किसी को पता नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता था। तो इसीलिए ऐसे कई शुद्ध भक्त हो सकते हैं जिनको भक्तों के समुदाय में कोई एक दूसरे को कोई जानता नहीं है नाम से, लेकिन भगवान राधा गोपीनाथ हर एक भक्त जानते हैं। श्रीधर कॉलेज को कोई नहीं जानता था लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे उनकी भक्ति के बारे में। और फिर महाप्रभु बोलते हैं इस जगह पर जाओ, यहाँ जाओ, इस बाजू में मुड़ो, इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, वहां पर ये घर मिलेगा, वहां पर ये भक्त बैठा है, दिखने में ऐसा है, उसको लेकर आओ, आज मैं उसको कृपा देना चाहता हूँ। और फिर महाभक्त लोग ढूंढ कर श्रीधर कोलावेज को लेकर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीधर कोलावेज को कोई जानता नहीं था, उनकी भक्ति का किसी को पता नहीं था, लेकिन भगवान को पता था। ऐसे ही हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते मैं आपको सब बताऊंगा, आशीर्वाद दूंगा, सब बताऊंगा, मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहीं पर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था, तो इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिखा। तो ऐसा तो बताते हैं कि संकेत करके एक जगह है वृंदावन में जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर है, एकदम अंदर खड्डे के अंदर है वहां पर, तो इतना वो अंधेरा अंधेरा वहां पर जा भी नहीं सकते। उस जगह पर वहां पर बैठकर संकेत में वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और अभी हम जाएंगे तो उधर राधा रमन मंदिर में जाएंगे तो वहां पर जो चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको भेंट दिया था गोपिन और वो आसन, आज के दिन भी उधर राधा रमन मंदिर के पास में वहीं पर एक जगह पर उन्होंने कांच के डब्बे में डालकर रखा है जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भेंट दिया था। तो ऐसा गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। और एक सुंदर उनकी लीला है जो एक विशेष गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में है कि कैसे
राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में आए थे। तो बताया जाता है कि एक बार श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, वो वृंदावन से निकलकर हिमालय वहां पर चल पड़े, और हिमालय में जब जाते हैं तो गंडकी नदी, जैसा कि हम जानते हैं, जहां पर शालिग्राम शिला बहुत विशेष रूप से मिलता है, तो वहां पर वो जाते हैं और कई सारी शालिग्राम शिला को वो लेकर वृंदावन में आते हैं। लेकिन जब वृंदावन में आते हैं, उनके हृदय में लगता है, अरे मेरी योग्यता क्या है, ये शालिग्राम शिला को मैं वहां से लेके आया गंडकी नदी से, ये मैंने गलत कर दिया, अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको बहुत बुरा लगता है कि शालिग्राम जो साक्षात विष्णु है वहां पर गंडकी नदी में है, और मैं ऐसे ही लेकर आ गया बिना किसी के परमिशन के, चलो फिर मैं जाकर उसको छोड़ के आता हूँ। फिर से वृंदावन से निकलकर नेपाल, सोचिए एक बार जाके आना आसान नहीं है, बहुत लंबा है, केवल इस शिला को छोड़ने के लिए वो वहां पर वापिस से वो जाते हैं उधर, वहां पर जाकर वो शिला को छोड़ते हैं पानी में, और जैसे ही छोड़ते हैं पानी में, तभी निकल कर आते हैं, वो शिला वापिस से उनके उसमें आ जाता है, झोली में वापिस से आ गया। फिर से वो पानी में छोड़ते हैं झोली को, वो शिला को, फिर से वो शिला उसमें आ गया उनके झोली में, ऐसे 2-3 बार हो जाता है। फिर वो सोचते हैं, अरे अभी शायद भगवान का ही सिग्नल है कि ये शिला को मैं साथ में लेके जाऊं। फिर से सब कुछ जमा करके वो उनको लेकर फिर से वृंदावन में आते हैं और सारे शालिग्रामों की सेवा पूजा करते हैं। आज भी देखेंगे तो हमारे कांग्रीगेशन में एक डॉक्टर आलवा करके दादर में हमारे बहुत ही जूने भक्त है, जो उनके घर में हम जाते हैं तो बहुत सारी शालिग्राम शिला है। तब आज की तारीख में अगर हमने किसी को देखा है, ओणम के लिए आपको बुलाने का बहुत इच्छा था। अगर आज के तारीख में हम देखते हैं ब्लॉक कर दिए तो काफी डिटेल में नहीं शालिग्राम शिला की सेवा पूजा कर रहे हैं वहां पर, तो उस समय पर जब वृंदावन में अलग अलग गोस्वामी, उनके उनके विग्रह है, रूप गोस्वामी राधा गोविंद जी की पूजा कर रहे हैं, जीव गोस्वामी राधा दामोदर जी की पूजा कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग गोस्वामी अलग अलग विग्रह की सुंदर सेवा पूजा कर रहे हैं। और एक दिन एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आता है और सारे गोस्वामियों को उनके जो विग्रह है ना, उनके लिए डीटीस के लिए ज्वेलरी, ये बहुत सुंदर ज्वेलरी ब्रेसलेट, राधा रानी के लिए दामिनी नथनी, सब सुंदर सुंदर अर्पण करके जाता है। तो समय पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कोई अर्च विग्रह नहीं है, उनके पास केवल शालिग्राम शिला है। तो ये जब सुंदर ज्वेलरीज को देखते हैं जो बाकी गोस्वामियों के लिए ये धनी व्यक्ति देकर गया है, तो इनके मन में इच्छा होती है, अरे अगर मेरे पास भी एक अर्च विग्रह होता तो मैं भी उनको ब्रेसलेट लगाता था, मैं भी उनको ज्वेलरी लगाता था। तो ये अर्च विग्रह की सेवा बहुत ही सुंदर है एक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अपने आप को सुंदरता से सजाना चाहता है, कैसे मैं सुंदर दिखूं, सुंदर कपड़े पहनना चाहता है, सोना इत्यादि सजाना चाहता है। लेकिन वही इच्छा को अगर हम भगवान राधा गोपीनाथ, कैसे उनको हम सुंदर कपड़े अर्पण करें या सुंदर जो ज्वेलरी है, सो डीटी वर्शिप में ये सब जो इच्छा है, जो हम अपने आप को सुंदर सजाने का इच्छा जो है, वो जब भगवान राधा कृष्ण को हम अर्पण करते हैं, वही ज्वेलरी
वही सुंदर ड्रेसेस इत्यादि, तो उनको देखकर हमारा हृदय में अच्छे से कुछ ये करने का इच्छा नहीं रहेगा, हमारा हृदय उसी में संतुष्ट हो जाता है। तो अर्च विग्रह का इससे बहुत सारा सेवाएं करने का हम लोगों को अवसर मिलता है। अर्च विग्रह के आने से ही हजारों हजारों से भक्तों को सेवा करने का एक चांस मिलता है, जिससे हम हमारा भगवान के साथ एक कनेक्शन बढ़ जाता है सेवा करते करते करते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे मेरे पास अर्च विग्रह नहीं है, ऐसा सोच के सो जाते हैं। एक दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो उनकी कई सारी शिलाएं हैं उसमें से एक शिला जो दामोदर शिला है, वो दामोदर शिला जो है वो एक अर्च विग्रह के रूप में ऐसा फूल कर एक सुंदर विग्रह तैयार हो जाता है। और जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी सवेरे उठते हैं और देखते हैं, उनको शौक लगता है, अरे भगवान ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया, शालिग्राम शिला से ये सुंदर विग्रह है। और वो बाकी गोस्वामियों को बताते हैं कि ऐसा 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 मेरे साथ हुआ, और सारे गोस्वामी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि हमारा जो संबंध विग्रह है वो है श्री राधा मदन मोहन। तो भगवान मदन मोहन का चरण कमल जो है उनका हम शरण लेते हैं। और बताते हैं कि भगवान मदन मोहन का चरण कमल जो एज इट इज कृष्णा जब 5,000 साल वृंदावन में आए थे, एज इट इज एग्जैक्ट दिखता है वो चरण कमल। और फिर राधा गोविंद देव उनका जो चेष्ट जो है, हमारे जो अभिधेय विग्रह संबंध अभिधेय, वो भगवान गोविंद देव एग्जैक्ट उनका चेष्ट भगवान कृष्ण की तरह दिखता है। और हमारे प्रयोजन विग्रह राधा गोपीनाथ जो उनका चेहरा फेस एग्जैक्ट भगवान कृष्ण की तरह जो 5,000 साल पहले आए थे। तो ये जो तीनों विग्रह का जो पैर छाती मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ का फेस, ये 3 in 1 एक विग्रह में दिखा, वो है राधा रमन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो विग्रह था उनको नाम दिया गया राधा रमन। और ये 3 in 1 एग्जैक्ट, तो ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और सब लोग एकदम आनंदित हो जाते हैं कि अभी राधा रमन जो है निधि वन जो वृंदावन में जो भगवान का रासलीला स्थली है के पास में वहां पर राधा रमन विग्रह है भगवान का। और वहां पर आज के तारीख में भी बताते हैं कि बहुत ही सुंदर डीटी वर्शिप के लिए वो जगह जो है आज के तारीख में भी बहुत ही फेमस है। राधा रमन अर्थात जो भगवान जो रमन करते हैं, और वहीं पर रासलीला स्थली भी है निधि वन करके जगह है, तो उसके पास में ही ये सुंदर जगह है राधा रमन में। आज भी जाएंगे तो वहां पर एक छोटा सा वो रबड़ी छोटा सा मिलता है। और वहां का डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड भी बताते हैं प्रभुपाद जी के, बहुत ही अगर आज तक इतने सालों में किसने मेंटेन किया है हाई स्टैंडर्ड डीटी वर्शिप का, तो वो है राधा रमन मंदिर में आज भी। तो ऐसे राधा रमन विग्रह जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी को उपलब्ध हुए वहां पर। और एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठे थे और वो सोच रहे थे, अरे मैं बचपन में चैतन्य महाप्रभु का मैंने दर्शन किया भगवान का, लेकिन उसके बाद इतने सालों में मुझे कभी भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने को मुझे मिला ही नहीं, महाप्रभु का दर्शन मुझे मिला नहीं, महाप्रभु का दर्शन मुझे मिला नहीं, ऐसे करके उनको बड़ा बुरा लग रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया वृंदावन में आ जाओ, माता पिता की सेवा करो, वृंदावन में आ जाओ, गोस्वामियों के साथ रहो, लेकिन मुझे तो कभी भी दर्शन करने को मिला ही नहीं, ऐसा करके वो दुखी हो गए। देखते ही देखते उनके आंखों के सामने जो उनके राधा रमन विग्रह थे वो
चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी दर्शन करते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का और बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं देखकर कि कैसे सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो वही चैतन्य महाप्रभु है वही भगवान चैतन्य जगन्नाथ जी है और वही भगवान कृष्ण है, तीनों में कोई अंतर नहीं है ऐसा करके। और उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे गोपीनाथ पुजारी करके, तो उनका बहुत प्रेरणा हुआ कि उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेना है और राधा रमन जी भगवान का सेवा करना है। तो गोपीनाथ पुजारी जो थे वो भी आ जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेकर गोपीनाथ पुजारी वहां पर बैठकर गोपाल भट्ट अपने राधा रमन भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि वो भी पूरा जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हैं और उनका कोई परिवार नहीं रहता है, तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और राधा रमन विग्रह का और एक विशेषता देखेंगे तो कोई राधा रानी का साथ में विग्रह नहीं है, जैसा राधा गोविंद राधा गोपीनाथ मदन मोहन ये सबका बाजू में राधा रानी विग्रह है, लेकिन रमन जी का बताते हैं कि उनके हृदय में ही राधा रानी विग्रह है, तो इसलिए अलग से राधा रानी का हम विग्रह राधा रमन मंदिर में हम देखते नहीं है। तो इस प्रकार से राधा रमन जो है छोटे से विग्रह केवल एक फुट के विग्रह है, इसीलिए बताते हैं कि उस समय पर जब मुगलों ने आक्रमण किया था वृंदावन के ऊपर, तो उस समय पर गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन दामोदर ये सारे विग्रहों को पहला राधा कुंड भेजा, वहां से काम्यवन और अंत में जयपुर भेजा राजपूत राजाओं के निगरानी में। लेकिन ये जो राधा रमन जो विग्रह था क्योंकि एकदम छोटे से थे एक फुट के, बाकी सब चार चार पांच पांच फुट के थे, तो इसीलिए राधा रमन जो विग्रह थे वो वहीं पर वृंदावन में उनको छुपा दिया गया था, क्योंकि छोटे विग्रह थे तो उतना कोई पहचान नहीं पाएगा, तो मुगल लोग कभी ढूंढ नहीं पाए राधा रमन विग्रह का। तो इसीलिए हमारा गोस्वामियों के विग्रह में से सारे विग्रह वहां पर चले गए जयपुर, लेकिन ये राधा रमन जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पूजनीय ओरिजिनल ये अभी भी वृंदावन में ही वहीं पर उस समय से आज तक निधिवन उस जगह पर है और सारे भक्तों के ऊपर वो अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वृंदावन में रहकर चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने शिल रूप और शिल सनातन गोस्वामी के साथ में रहकर कई सारी सेवाएं वहां पर की, कई सारी किताबों में लिखने में उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी को मदद किया और बाकी जो भी वृंदावन में महाप्रभु ने जो भी सेवा कहा था वो सब में गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी के साथ में रहकर जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने उनका सेवा किया। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाएंगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वयं भगवान को अपने बचपन में ही उन्होंने दर्शन कर लिया था, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को कभी भी थोड़ा भी घमंड नहीं था कि अरे मैं क्यों इनकी सेवा करूं या ऐसा कुछ, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी सीनियर थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को कभी भी ऐसा लगा नहीं कि अरे ऐसा भी ये करना है। तो वास्तव में इसलिए उनका जो नम्रता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बहुत ही उसका गुणगान किया जाता है। भगवान का दर्शन करते हुए चार महीने भगवान के साथ रहकर साक्षात भगवान अर्च विग्रह के रूप में रवण के रूप में आए हैं उनके लिए, जब भी चाहिए उनको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी कभी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा नहीं कि मैं
सबसे कोई बड़ा हूं या मैं कोई स्पेशल। भगवान ने उनको स्पेशल दर्शन कई बार दिया, लेकिन वो स्पेशल दर्शन देखने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में मैं स्पेशल पर्सनालिटी हूं ऐसा कभी उनको लगा नहीं। तो यही हम देखते हैं जो महान वैष्णव होते हैं, क्योंकि वो वैष्णव हमेशा अपने आप को दासानुदास मानते हैं और उस भाव में वो सेवा करते हैं, तो इसीलिए भगवान भी उनको हमेशा बार बार स्पेशल दर्शन देते रहते हैं। और उस स्पेशल दर्शन लेने के बाद भी भक्त जो है हमेशा अपने आप को वैष्णव दासानुदास के रूप में नम्रता से वो सेवा करता है। कहीं पर भी वो अहंकार नहीं आता उनको कि मैं बड़ा और ये सब छोटे क्योंकि भगवान ने मुझे दर्शन दिया और तुम्हें नहीं दिया, नहीं। ये कहीं पर भी ऐसी भावना कभी भी उनके अंदर आती नहीं। तो इसीलिए हम ये गुण हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी और अन्य आचार्यों से कि ये जो नम्रता के बारे में बार बार जो हम देखते हैं सुनते हैं कि भक्ति के जीवन में त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानीन मान दीन कीर्तनीय सदा हरि, कि अगर हमेशा भगवान का नाम जप करना है तो नम्रता एक तृण से अधिक, सहनशीलता एक पेड़ से भी अधिक, हमेशा दूसरे वैष्णव को सम्मान देना और स्वयं के लिए कभी कोई सम्मान की अपेक्षा न करना। जब वास्तव में किसके हृदय में ये भावना हृदय में होगा तब वो व्यक्ति को भगवान का विशेष कृपा उस व्यक्ति को ऊपर बरसाया जाता है। और हमेशा भगवान ऐसे भक्त की सेवा को स्वीकार करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, क्योंकि भावना सही है। क्योंकि हम भगवान की चाहे कितनी भी सेवा करें लेकिन जब तक हमारी भावना में शुद्धता नहीं है भगवान हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन वेस्ट। समसिद्धिर हरि तोषणम अथा पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरि तोषणम। जो भी वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो भी व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, अथा पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरि तोषणम। सबका गोल अंत में अगर एक नहीं है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, तो फिर सब कुछ वेस्ट है। श्रम एव ही केवलम। और एक श्लोक में बताते हैं कि विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम दर्वस मनुष्टित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया। कि अलग अलग धर्म के हिसाब से जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं अंत में उसका गोल क्या है, विश्वक्सेन कथा सुये, भगवान का कथा के बारे में सुनने का जो इच्छा है लौल्य उसको बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो फिर श्रम एव ही न उत्पादे यदि रतिम। अगर भगवान का कथा सुनने का रति नहीं हो रहा है जो भी हम कार्य कर रहे हो करने के बाद ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज श्रम एव ही केवल, तो वो पूरा वेस्ट है। तो इसीलिए महान आचार्य के बारे में सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे ये आचार्य भगवान को इतने प्रिय थे क्योंकि इनकी चेतना इनके गुण इतने दिव्य थे। और उनके बारे में सुनने से हम प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे महान आचार्यों से कि हमारे अंदर भी वैसा ही उनके ऐसा जो गुण है उसका अगर थोड़ा भी बूंद हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा भी जीवन जो है वो सफल हम बना सकते हैं। जय श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, जय श्री श्री राधा रमन देव भगवान की, जय श्री वृंदावन धाम की, जय निखाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।